व्यूवर्स, आज हम बनाने जा रहे हैं दही बल्ले। और दही बल्ले बनाने के लिए हमें चाहिए 1.5 कप उड़द की दाल और 1 कप मूंग की दाल। मैंने इस दाल को अच्छे से साफ़ कर लिया है पानी से। 3-4 बार साफ़ करने के बाद ये इस तरह से हो गई है। अब हम इसे भिजोकर रख देंगे 5-6 घंटे के लिए। इसे मैंने इसे भिजोकर रख दिया है। तकरीबन ये 5-6 घंटे के लिए भिजे रहेंगे। इसके बाद 5-6 घंटे बाद हम इसको प्रोसेस करना रखी थी। अब हमने उसका फाइन पेस्ट बना लिया है। इसमें हमने थोड़ी सी किशमिश मिलाई है और इसको फेटा है। और आपको बता देते हैं फेटना किस तरीके से है। फेटने का ही मेन इसका प्रोसेस है। आपको लगातार इस तरीके से इसे चलाना है और तब तक चलाना है जब तक ये इसमें हवा की मात्रा ज़्यादा ना बढ़ जाए। कम से कम नहीं तो 10 मिनट तो आपको इस तरीके से फेटना है। और इसके आपको कैसे पता चलेगा कि अब आपको नहीं फेटना है, वो इस तरीके से आप अपना उठाकर देखेंगे दाल को। और दाल जब गिरेगी नहीं, आप देखेंगे कि दाल गिर नहीं रही है, तब वो आपका समझ लीजिए कि हाँ ये हमारा टाइम है, हम इसको अब फ्राई कर सकते हैं। दूसरी तरफ हमने पानी लिया है। एक बर्तन में आप पानी लेंगे, ये हल्का गुनगुना पानी है। इसके अंदर आपको थोड़ी सी हींग डालनी है और थोड़ा सा नमक डालना है। ये हींग है, आपको इसमें हींग डालनी है और थोड़ा सा नमक डालना है। क्योंकि इसी पानी में जब हमारे दही बल्ले जो हैं वो फ्राई होंगे तो हम इसको इसी पानी में डालेंगे। उसमें दही बल्ले में एडिशनल नमक नहीं डलता है, इसलिए तो जो नमक है वो हम इसमें डालेंगे। ये इसमें नमक डाल देंगे और इसे मिला देंगे। इस तरीके से मिला देंगे और अब हम फ्राई करेंगे अपने दही बल्लों को। इसको एक साइड में रख देते हैं क्योंकि इसका थोड़ा सा देर में हमें काम है। इसका फ्राई करेंगे। कुकिंग हमें मीडियम गैस पे करनी है। ध्यान रखिएगा कि हमें मीडियम गैस पे ही कुकिंग करनी है और छोटे छोटे डालने हैं। और कोशिश कीजिएगा कि आप 2 लोग डालें क्योंकि एक डालेगा और दूसरा उसमें तेल ऊपर करेगा तो वो फूलेंगे। आपको इसमें इस तरीके से करना है, एक आपका डाले और दूसरा आपका इस तरीके से उसके ऊपर तेल को डाले, फ्राई हो। ये अपने आप फूलेंगे और अपनी जगह को छोड़ेंगे। ये देखिए, ये देखिए, कुकिंग मीडियम लो पे करिएगा, मीडियम गैस फ्लेम पे करिएगा। ये इस तरीके से अपना हल्का गोल्डन, जब ब्राउन हो जाएंगे, हल्के हल्के गोल्डन ब्राउन होंगे तब आपको इसे निकालना है। और निकाल के सीधा पानी में नहीं डालना है, हम इसे डबल कुकिंग करेंगे। एक बार इसको लाइट ब्राउन करके निकालेंगे, उसके बाद जब सारे हमारे हो जाएंगे फिर मीडियम फ्लेम में एक बार दोबारा से फ्राई करके फिर उसको एक साथ हम पानी में डालेंगे। ठीक है, तो अभी जैसे ये लाइट गोल्डन है, आप देखिए ये जो टेक्सचर है इसका जब आ जाएगा तो हम इसे निकाल लेंगे। और निकाल के सीधा पानी में हमें इसे नहीं डालना है, सीधा पानी में हमें इसे नहीं डालना है। हम इसको फिलहाल जो है वैसे निकाल लेते हैं और इसको अभी फिलहाल हम पानी में नहीं डालेंगे, बाहर डालेंगे प्लेट में निकाल लेते हैं। इस तरीके से हम अपने सारे जो है वो डाल के प्लेट में निकाल देंगे। बस अब हमारा नेक्स्ट सेट जो है वो हम डालेंगे। सेट है और ये देखिए आप,
इस तरीके से पूरा बड़े बड़े एकदम ये हो रहे हैं, बिल्कुल नहीं चिपकेंगे। अगर आपने इनको अच्छे से फेटा होगा और इनके साइज़ अपने आप जो है वो हटेंगे, बढ़ जाएंगे साइज़ भी, और ये बिल्कुल भी आपकी कढ़ाई से नहीं चिपकेंगे अगर आपने इन्हें अच्छे से फेटा होगा तो। अपने आप ही डालते ही, थोड़ा सा तेल ऊपर आते ही ये एकदम ही तैरेंगे उसके अंदर, और यही एक अच्छी निशानी है कि हाँ आपके जो दही बल्ले हैं वो बिल्कुल सही से फूल रहे हैं, बन रहे हैं। जितने भी हमारे बनाए हुए हैं दही बल्ले वो तैयार हैं, बट हमें एक लास्ट स्टेप करना है। ये सारे एक बार फ्राई हो चुके हैं बट हमें इन्हें एक बार फिर से फ्राई करना है। ये एक स्पेशल टेक्निक है जिससे जो इनकी फ्लफ़ीनेस है, ये जो इतना फ्लफ़ी है ये बरकरार रहेगी, और जब आपके बनेंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और टेस्टी बनेंगे, आप देखिएगा। तो एक इनका लास्ट प्रोसेस है, हमें इनको दोबारा से एक बार लेना है और सारा ज़्यादा से ज़्यादा, यानी थोड़ा थोड़ा ज़्यादा हमें इनको जो है वो फ्राई करना है। दोबारा से एक बार इन्हें मीडियम फ्लेम ही रखना है और एक बार दोबारा से हमें इन्हें फ्राई करना है। और अब ये जो फ्राई होंगे हमें हार्डली 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई करना है, और उसके बाद हमें इसे डायरेक्ट जो है वो जो हमारा पानी हमने प्रिपेयर किया था उसमें डालना है। तो ये देखिए बस एक और मिनट और हमारा ये डालने के लिए रेडी है। ये इस तरीके से हम इसे डायरेक्ट पानी में डालते जाएंगे। सारे के सारे अब हम इसी तरीके से पानी में निकाल लेंगे और इन्हें कम से कम नहीं तो 30 से 40 मिनट के लिए ऐसे ही सारे जितने भी हमारे बनाए हुए हैं दही बल्ले वो तैयार हैं, बट हमें एक लास्ट स्टेप करना है। ये सारे एक बार फ्राई हो चुके हैं बट हमें इन्हें एक बार फिर से फ्राई करना है। ये एक स्पेशल टेक्निक है जिससे जो इनकी फ्लफ़ीनेस है, ये जो इतना फ्लफ़ी है ये बरकरार रहेगी, और जब आपके बनेंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और टेस्टी बनेंगे, आप देखिएगा। तो एक इनका लास्ट प्रोसेस है, हमें इनको दोबारा से एक बार लेना है और सारा ज़्यादा से ज़्यादा, यानी थोड़ा थोड़ा ज़्यादा हमें इनको जो है वो फ्राई करना है। दोबारा से एक बार इन्हें मीडियम फ्लेम ही रखना है और एक बार दोबारा से हमें इन्हें फ्राई करना है। और अब ये जो फ्राई होंगे हमें हार्डली 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई करना है, और उसके बाद हमें इसे डायरेक्ट जो है वो जो हमारा पानी हमने प्रिपेयर किया था उसमें डालना है। तो ये देखिए बस एक और मिनट और हमारा ये डालने के लिए रेडी है। ये इस तरीके से हम इसे डायरेक्ट पानी में डालते जाएंगे। सारे के सारे अब हम इसी तरीके से पानी में निकाल लेंगे और इन्हें कम से कम नहीं तो 30 से 40 मिनट के लिए ऐसे ही सोखने। हमने इस तरीके से अपना जो मसाला है जो भुना था उसको पीस लिया है, दरदरा पीसा है, और ये बहुत ही ज़्यादा खुशबू दे रहा है, बहुत टेस्टी है। इसके अंदर हमने काला नमक और सफ़ेद नमक जो है वो डालकर इसको पीसा है। पीसने से पहले हमने जो हमारी मिर्ची थी उसकी डंडियाँ तोड़ दी थी, ये से ध्यान रखिएगा कहीं डंडी के साथ ही आप इसे नहीं पीसिएगा। बाकी अब जो है हमने थोड़ा सा अलग से जो जीरा है और जो साबुत खड़ा धनिया है उसको भी थोड़ा सा कर दिया है। ये हमारा दही बल्लों का मसाला है, ये दही बल्लों के ऊपर जाएगा और ये चटनी के अंदर जाएगा। तो ये हमने थोड़ा सा ड्राई रोस्ट ये भी किया है, थोड़ा सा खड़ा धनिया है और जीरा है, इसको थोड़ा ड्राई रोस्ट कर लिया है हमने, और अब इसको थोड़ा सा कूट लेंगे
ठीक है, किसी भी चीज़ के सहायता से आप थोड़ा कूट लीजिएगा, मिक्सी मत कीजिएगा, ये आपकी चटनी में जाएगा। 2 से 3 मिनट हमने इसको बॉईल किया है, अभी से थोड़ा ठंडा होने के लिए रखेंगे, फिर उसका पल्प हम निकालेंगे। इसके साथ हमें जो इनका मसाला जो इसमें पड़ेगा वो हमें चाहिए, तो हम उसको थोड़ा सा उनको ड्राई रोस्ट करेंगे। ये है हमारा सूखा धनिया, साबुत सूखा धनिया, ये हमारी सौंफ है, ये हमारा जीरा है, ये काली मिर्च है, और ये साबुत लाल मिर्च है। इसको हमें ड्राई रोस्ट करना है, और ये हम एक हमारा पैन लिया है हमने, इसको गरम करने के लिए रखा है, गरम हो चुका है, और ये सब हम इसके अंदर डाल देंगे, और इसको जब तक इसमें हल्की खुशबू ना आने लगे इसको प्रॉपर ड्राई रोस्ट करेंगे। इसमें खुशबू आने लग जाएगी, इसमें प्रॉपर जो है वो ड्राई रोस्ट इसको हम करेंगे, जब इसमें खुशबू आने लग जाएगी तब इसे निकालेंगे और फिर इसका एक दरदरा पेस्ट तैयार करेंगे। ज़्यादा टाइम इसमें नहीं लगेगा, हल्का हल्का ये रोस्ट हो जाएगा, और हम इसे निकाल कर इसका दरदरा सा, बिल्कुल फाइन पेस्ट नहीं बनाएंगे क्योंकि ये मसाला जाएगा हमारे इमली की चटनी में, तो इसका एक फाइन पेस्ट नहीं बनाएंगे, दरदरा सा पेस्ट बनाएंगे। इसमें हम पेस्ट इसको फ्राई करने इसको हल्का सा भूनने के बाद, ड्राई रोस्ट करने के बाद इसमें थोड़ा सा काला नमक और थोड़ा सा सफ़ेद नमक डालकर इसको जो है इसका फाइन पेस्ट बनाएंगे। नमक आप अपने स्वाद अनुसार रखिएगा, काला नमक इसमें ज़रूर डालिएगा, ये आपकी चटनी के टेस्ट को इन्हेंस कर देगा। ये देखिए आपको आवाज़ आने लगी है, ये रोस्ट होने लगा है, और यही एक स्टेज है, ये देखिए, और बहुत अच्छी खुशबू इसमें से आ रही है। यही स्टेज पे हम इसे निकाल देंगे, ज़्यादा आप इसको मत भूनिएगा, काला हो जाएगा तो जलने की स्मेल आएगी। वो बस पानी डाल दिया है कढ़ाई में, अब हम अपना पल्प इसके अंदर डालेंगे, इमली का पल्प जो हमने तैयार किया था वो पूरा इसमें डालेंगे, इसको मिक्स करेंगे, वेल मिक्स दे देंगे इसमें अच्छे से, इस तरीके से इसे मिक्स करेंगे। इसमें हम अपना चीनी जो ली है हमने 1 कटोरी चीनी वो ऐड करेंगे, और इसको थोड़ा सा घुलने तक वेट करेंगे, जब तक ये मिक्स अच्छे से हो जाती है, थोड़ा सा इसमें एक दो उबाल आने लग गए हैं, और अब इस स्टेज पे हम इसमें अपने जो हमने मसाले लिए थे वो सारे ऐड करेंगे। ये हमने इसके अंदर मिर्च डाली है, हरा धनिया कुटा हुआ, और जीरा कुटा हुआ डाला है, काला नमक इसमें हमने डाल दिया, सफ़ेद नमक हमने इसमें डाल दिया, और हमारी इमली की चटनी बिल्कुल बनके तैयार सी हो गई है। ये देखो कितना अच्छा इसमें बाउल आ रहा है, बॉल उबाल जो है वो इतना बढ़िया आया हुआ है, ये देखिए। अब इसके अंदर हमने जो किशमिश थी उसको धो के भिगो के रखा था थोड़ा सा, अब वो हम इसमें डाल देते हैं, बस ये रेडी स्टेज है, इसमें हमने इस स्टेज में हमने डाला है इसे। अब बस 1 से 2 मिनट और हम इसको लेंगे, और ये हमारी चटनी अब ये बिल्कुल हमारी तैयार है, ये उतारने के लिए ये अच्छी कंसिस्टेंसी आई है। अब थोड़ा सा ना ये ठंडा होने पर थोड़ी गाढ़ी होती है, ठीक है, तो हम इसको इस स्टेज पे जो है वो बंद कर देते हैं। ये हमारा एकदम चटपटी सी खट्टी मीठी जो है इमली की चटनी हमारी बिल्कुल तैयार है। इसको ठंडा, इसको गैस को हम ऑफ कर देते हैं और इसे ठंडा होने के लिए रख देते हैं। अब ये हम अपने बल्ले के लिए हमने दही को फैट लिया है, दही है ये हमारा, अब इसके अंदर हम पाउडर शुगर मिला रहे हैं, आप चाहें तो चीनी भी मिला सकते हैं। 1 कटोरी पाउडर शुगर हम मिला रहे हैं, ये मीठी दही थी, इसको हम इस तरीके से मिक्स कर लेंगे। बस इसमें हमें एडिशनल कुछ नहीं करना है, हमारी खट्टी जो चटनी है वो रेडी है, हमारी मीठी दही रेडी है हमारी, ये बस अभी हमें ग्रीन चटनी जो है वो बनानी है, उसके बाद फिर हमारा जो है बल्ले का पूरा प्रिपरेशन हमारी तैयार हो जाएगी। मैं आप ग्रीन चटनी जो हरी चटनी बना रहे हैं उसके लिए हमने
फ्रेश धनिया लिया है, इसे हमने धो लिया है, खूब अच्छे से धो लिया क्योंकि इसमें मिट्टी रहती है, वो अच्छे से धो लिया है। 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है, 2 हरी मिर्च ली है और नमक लिया है। इसमें आप चाहें तो काले नमक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और सफ़ेद नमक दोनों का कर सकते हैं, बट मैंने फिलहाल सफ़ेद नमक ही इसमें यूज़ किया है। अब हम इसे मिक्सी के जार में डालकर एक फाइन सा पेस्ट बना रहे हैं। हमारी फाइनली जो है वो सारी प्रिपरेशन हो गई है, हमारी हरी चटनी बनकर तैयार है, हमारी मीठी दही बनकर तैयार है, हमारी चटपटी जो इमली की चटनी है वो बनकर तैयार है, और ये हमारा मसाला जो हमने पहले ड्राई रोस्ट किया था उसको हमने मिक्सी में पीस लिया है, दरदरा पीसा है, ये भी हमारा तैयार है। ये हमारे दही बल्ले हैं, ये भी एकदम से बहुत बढ़िया तरीके से फूल कर तैयार हो गए हैं। अब इन्हें आपको फाइनली बनाकर दिखाएंगे। ये देखिए, ये एक हल्का सा इसको इस तरीके से करके एक एक करके बस इस तरीके से आप रखेंगे, ज्यादा इसको इसका पानी नहीं निकालना है, हल्का हल्का ही पानी निकालना है। अब इसके ऊपर हम दही डालते हैं, ये मीठी दही है हमारी, खूब अच्छे से इसके ऊपर डालेंगे क्योंकि दही बल्ला बगैर दही के कहाँ। अब इसके ऊपर हम मीठी चटनी डालेंगे अपनी, मीठी चटनी में हमने किशमिश डाली है जो इसका स्वाद और इन्हेंस कर देगी। फिर इसमें हम अपनी हरी चटनी डालेंगे, इसमें हमने जो अपना मसाला बनाया था वो डालेंगे, और जो हमारा दही है एक बार वो हम फिर उसके ऊपर डालते हैं मीठी दही। और ये हमारी प्रिपरेशन, हमारी जो बहुत ही मज़ेदार और एकदम रसीले टेस्टी चटपटे हमारी जो दही बल्ले हैं वो बनकर रेडी हैं। थैंक यू सो मच, आई होप यू एंजॉय एंड यू मस्ट ट्राई एंड लाइक एंड कमेंट एंड शेयर।